एक बार फिर मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट लिए, जहां एक तरफ अप्रैल का महीना जो कि गर्म रहना था, लेकिन यहां पर बरसात और ओले गिरते हुए मध्य प्रदेश के कई इलाकों में नजर आए। क्या है मौसम का अपडेट और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम, जानकारी आपको इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मध्य प्रदेश में एक बार फिर बरसात और ओले गिरने के मामले जो है वो सामने आए। बता दें आपको कि भोपाल और उसके आसपास के कई इलाकों में बेमौसम बारिश हुई, इसके अलावा ओले भी गिरे। वहीं आपको बता दें कि पहले ही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश में मौसम ने जो करवट ली है, उससे कहीं ना कहीं किसानों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले अगले 48 घंटे में भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम के बावजूद भी प्रदेश में तेज हवा और आंधी के साथ बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति काफी मजबूत है। वहीं उत्तर भारत में दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है। वहीं बता दें कि आने वाले 48 घंटों में उज्जैन, इंदौर, भोपाल, खंडवा और बैतूल में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा विदिशा, रायसेन, दतिया, भिंड, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना और सागर में ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन मजबूत रहेगा आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से दो दिन लगातार बारिश की स्थिति रहेगी। ऐसे में तेज हवाओं के साथ गरज चमक होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं ओलावृष्टि भी कई इलाकों में हो सकती है। वहीं 1 मई से दोबारा पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव हो रहा है। ऐसे में आने वाले 4-5 दिन भी प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, इस बीच किसानों की समस्या जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि की वजह से नुकसान फसलों का पहले ही काफी हो चुका है, लेकिन एक बार फिर ये नुकसान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में बादल छाए रहेंगे, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना कई सारे इलाकों में मौसम विभाग ने जताई है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।